Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. SDMES Boys English Medium School, Standard 8, Subject Arabic, Chapter Number 20. Students, ये हमारे Chapter Number 20 का Part 1 है, जिसके अंदर आज हम Translate into Arabic देखेंगे बेटा. चलिए first question देखिए. First है New Home. अब न्यू होम इसका अरबी वर्ड अरबी सेंटेंस क्या होगा, देखो सामने ही लिखा हुआ है. बैतुन जदीदुन, बाय ज़बर बई तादु पेशतुन बैतुन, जीम ज़बर ज दालिया जेदी जदी दाल दो पेशतुन जदीदुन बैतुन जदीदुन न्यू होम. ओके, न्यू का मतलब होता है जदीदुन और होम का मतलब होता है बैतुन. सेकेंड है कोल्ड टी, मतलब कि ठंडा चाय. शायुन बारिदुन, शायुन का मतलब होता है टी, बारिदुन मतलब होता है कोल्ड. शीन अलिफ ज़बर शाह यादो पेशयुन शायुन, बा अलिफ ज़बर बा राजे री दाल दो पेश दुन बारिदुन शायुन बारिदुन कोल्ड टी, यानी के ठंडी चाय. थर्ड है टॉल बॉय, लंबा लड़का. वलदुन तवीलुन, वलदुन तवीलुन वाव ज़बर व लाम ज़बर ल वल दाल दो पेश दुन वलदुन तो ज़बर तो वाव या ज़ेर वी तो वी लाम दो पेशलुन तवीलुन वलदुन तवीलुन. वलदुन का मतलब होता है बॉय, तवीलुन का मतलब होता है टोल, यानी के लंबा लड़का, टोल बॉय. फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ चीप पेन, सस्ती पेन. फोर्थ है देखो काफ ज़बर क लाम ज़बर ल कलम इम दो पेशमुन कलमुन कलमुन रखीसुन र ज़बर र खाया ज़ेर खी रखी स्वादो पेश सुन रखी सुन कलमुन रखी सुन चीप पेन. फिफ्थ है वाइड, पेन का मतलब होता है कलम और चीप मतलब होता है रखीस, मतलब के सस्ती, जो चीज़ सस्ती हो सस्ती उस वर्ड को क्या बोलोगे आप, रखी सुन बोलोगे अरेबिक में. फिफ्थ है वाइड रोड, वाइड मतलब होता है चौड़ा, रोड मतलब होता है रोड, वाइड वाइड रोड मतलब चौड़ा रोड. शारियुन वासियुन, फिर देखो शारियुन वासियुन शीन अली सबर शाह रोजेरी शारी आइंदो पेशुन शारियुन वाव अलीफ ज़बर वा सीन ज़ेर सी आइंदो पेशुन वासियुन शारियुन वासियुन वाइड रोड. शारियुन का मतलब होता है रोड और वासियुन मतलब होता है वाइड. चलिए मैं उम्मीद करती हूँ ट्रांसलेट इनटू अरेबिक आपको समझ में आ गया होगा. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स. फिल इन द ब्लैंक्स में फर्स्ट देखिए, यहाँ पर देखो आपको इधर ऑप्शन भी दिया हुआ है. अल किताबु अल किताबुल जदीदु, देखो अल किताबु लिखा हुआ रहेगा और उसके सामने जैसे अल जदीदु लिखा है तो वहाँ पर आपको ब्लैंक दिया हुआ रहेगा, लेकिन यहाँ पर मैंने आंसर लिख दिया है, आप देख लीजिए. अल किताबुल जदीदु, तो यहाँ पर दो ऑप्शन हैं, तो जदीदुन है और अल जदीदु है. ये आप याद रखिएगा कि अगर किसी हर्फ के अगर आगे किसी वर्ड के आगे अगर अलिफ लाम हो तो दूसरा हर्फ भी अलिफ लाम वाला ही होगा. जैसे आप अगर फर्स्ट वर्ड में देख रहे हो अल किताबू, तो सेकेंड वर्ड में भी अल जदीदु लिखा हुआ है, देखो अलिफ लाम मिला हुआ है, इस तरह ही होगा. तो जहाँ पर अलिफ लाम होगा आप भी वहाँ अलिफ लाम मिला दोगे. अल किताबुल जदीदु, तो यहाँ पर फर्स्ट को जो आप ऑप्शन है अल जदीदु वो आंसर आएगा. सेकंड क्वेश्चन देखो, कलमुन समीनुन, देखो कलमुन ये आंसर दिया हुआ है, लेकिन समीनुन और असमीनु दो ऑप्शन है, तो दोनों ऑप्शन में से कौन सा आंसर आएगा, ये समीनुन आएगा. क्यों? क्योंकि उसमें अलिफ लाम तो है नहीं फर्स्ट वाले वर्ड में, तो सेकेंड वाले वर्ड में तो अलिफ लाम आएगा ही नहीं, समझ रहे हो आप बेटा. कलमुन समीम समीनुन. थर्ड है सिक्कीनुन हादुन, सिक्कीनुन और यहाँ पर सामने दो ऑप्शन है अलहादु और हादुन, लेकिन इन दोनों ऑप्शन में से कौन सा आंसर आएगा, हादुन आंसर आएगा. क्यों? इसलिए क्योंकि जिस वर्ड में अलिफ लाम नहीं होगा तो दूसरा वर्ड भी अलिफ लाम वाला नहीं होगा, और अगर पहला वाला वर्ड अगर अलिफ लाम वाला है तो दूसरा वाले वर्ड भी अलिफ लाम वाला ही होगा. तो इसी तरह सिक्कीनुन अलहादु और हादुन में से हादुन. फोर्थ क्वेश्चन देखो, अद्दीकुल जमीलु, अद्दीकु और सामने देखो दो ऑप्शन है जमीलुन और अल जमीलु, तो यहाँ पर क्या आएगा अल जमीलु. क्यों? क्योंकि पहला वाला जो वर्ड है वो अलिफ लाम वाला है, अद्दीकु है, इस वजह से हमको अलिफ लाम वाला भी अलिफ लाम वाला आएगा. अद्दीकुल अल जमीलु.
नेक्स्ट देखिए सैयारतुन सरियातुन। सैयारतुन लिखा हुआ है, सामने दो ऑप्शन है, असरियातु और सेकेंड है सरियातुन, लेकिन यहाँ पर आंसर क्या आएगा बेटा, सरियातुन आएगा। क्यों? क्योंकि पहला वाला वर्ड अलिफ लाम वाला नहीं है, इस वजह से सैयारतुन सरियातुन। नेक्स्ट है लास्ट देखिए रजुलुन फ़कीरुन। रजुलुन फ़कीरुन, रजुलुन देखो इसमें अलिफ लाम तो है नहीं, शुरू में है बेटा, यस नहीं है। रजुलुन देखो दो सामने ऑप्शन है, फ़कीरुन और अल फ़कीरु, तो दोनों में से कौन सा आंसर आएगा, फ़कीरुन आएगा। चलिए मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये फिल इन द ब्लैंक समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आए तो आप वापस से रिवाइज करके देख लीजिए। जज़ाकअल्लाह खैर बेटा, लाइक भी कीजिए वीडियोस को, टीचर्स आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं।